समस्त को स्वागत करडेमी। तो आज आम इकोनॉमिक्स ऑनर्स प्लस थ्री फर्स्ट ईयर कोर थ्री सेकेंड सेमिस्टर विषय डिस्कशन करवा। तो कोर थ्री पेपर टी अच्छे तुम इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स रो टोटल सिलेबस आज आम डिस्कशन करवा। तो कौन रही माइक्रो इकोनॉमिक्स रो सिलेबस, तो निहाते आम चैनल को सपोर्ट करूँ, आउ चैनल को लाइक आउ सब्सक्राइब करूँ। तो देखा कौन रही कोर थ्री पेपर इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स रो, तो डिटेल्स आम आलोचना करवा ये वीडियो रे। तो जो मॉडल सिलेबस अच्छी से देख यूनिट वन, तो यूनिट वन देख दे बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने को यूनिट वन कह जा। तो देख सिलेबस देखिए माइक्रो वर्सेस माइक्रो इकोनॉमिक्स, जे माइक्रो और माइक्रो भितर कौन डिफरेंस अच्छी, लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन लिमिटेशंस अच्छी, स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स, ये दुटा कॉन्सेप्ट बहुत इंपोर्टेंट। तो मुझे इंपोर्टेंट क्वेश्चन देती ह्वाट इज स्टॉक वेरिएबल, ह्वाट इज फ्लो वेरिएबल, इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कहले कौन बुझुच्च, डिसइक्विलिब्रियम कहले कौन बुझुच्च, आउ गोटे भी अच्छी इंपोर्टेंट पार्शियल एंड जनरल इक्विलिब्रियम स्टैटिक्स। तो पार्शियल आउ जनरल इक्विलिब्रियम ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ह्वाट इज पार्शियल इक्विलिब्रियम, ह्वाट इज जनरल इक्विलिब्रियम, ये सब डेफिनेशन गुड़ाक बुझा पड़ा आगे, ये जिनस बुझे बेसिक जिनस। तो भितर विषय भितर को आम गले सुविधा हम से कंपैरेटिव स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। तो स्टैटिक्स आउ डायनामिक्स कौन, नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट, तापर आसीगला नेशनल इनकम जमार जीडीपी कौन, जीएनपी कौन, एनडीपी कौन, एनएनपी कौन, एगुड़ा सब डेफिनेशन एज वेल एज आर सब जो अच्छी कौन डिफरेंस, जीडीपी जीएनपी भितर कौन डिफरेंस अच्छी, एनडीपी एनएनपी भितर कौन डिफरेंस अच्छी, फैक्टर कॉस्ट कौन, रियल एंड नोमिनाल, रियल इनकम रियल आउ नोमिनाल, डिस्पोजल एंड पर्सनाल, डिस्पोजल पर्सनाल इनकम। तो येक इनकम मन रखी है, तो डिस्पोजल पर्सनाल इनकम प्राय पड़ुची, ह्वाट इज डिस्पोजल इनकम कि पर्सनाल इनकम, एगुड़ा परीक्षा में बेस भल भाव आसुच्छे। तो जहाँ यहाँ सब अच्छी बेसिक जिनस अच्छी आपको तुम्हें क्लीअर कले आग सेमिस्टर गुड़ा जो अच्छी सेकेंड इयर रे थर्ड इयर रे से गुड़ा तुम्हें सब कन्सेप्ट क्लीअर हे, ये गुड़ा हूँ बेसिक जिनस, आपको टी हाथ छड़ा करूँ ना, आपको न जाणी पार्टी यूट्यूब किंबा इंटरनेट रे सर्च कर देखूँ जहाँ भी डेफिनेशन गोटा देती, कारण ये बुझे तुम आगे तुमको सुविधा हम। ये गला यूनिट वन बेसिक कन्सेप्ट, यूनिट दुई में देखा कौन सब रही। देख पाने यूनिट टू रे मेजरमेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, तो माइक्रो वेरिएबल्स मेजरमेंट विषय सेकेंड यूनिट रे जमीन तुम आउटपुट इनकम एंड एक्सपेंडिचर परचेस। तो देख दे कौन कौन ना डिफिकल्टीज ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, नेशनल इनकम आइडेंटिटी इन ए सिंपल टू सेक्टर इकोनॉमी एंड विथ गवर्नमेंट एंड फॉरेन ट्रेड सेक्टर्स। तो जो नेशनल इनकम अच्छी काउंटिंग करने एस्टिमेट करने जो अच्छी टू सेक्टर इकोनॉमी आ गवर्नमेंट सहित थ्री सेक्टर, फॉरेन ट्रेड सहित फोर सेक्टर, तो टू थ्री फोर सेक्टर सहित नेशनल इनकम एस्टिमेटिंग कथा सी गोटे तुम इंपोर्टेंट कन्सेप्ट रहीपर। तुम जो सर्कुलर फ्लोज ऑफ इनकम अच्छी आम जानते टू सेक्टर हाउस होल्ड बिजनेस, थ्री सेक्टर है हाउ टू हाउस होल्ड बिजनेस हाउस होल्ड गवर्नमेंट, फोर सेक्टर है हाउस होल्ड बिजनेस गवर्नमेंट विथ फॉरेन सेक्टर। तो ये चार टू थ्री फोर सेक्टर जो इकोनॉमी अच्छी तार सर्कुलर फ्लो मोस्ट इंपोर्टेंट। तापर देखिए नेशनल इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ग्रीन अकाउंटिंग, तो यहाँ मुझे बारंबार कही ग्रीन अकाउंटिंग कहे कौन बुझे क्वेश्चन मुझे जे ग्रीन अकाउंटिंग आ सहित तुम जो अच्छी कौन नेशनल इनकम ताको भलसे भाव देख आज टू थ्री फोर सेक्टर अच्छे सर्कुलर फॉर इकोनॉमी से टू थ्री फोर सेक्टर टे भल भाव में प्राक्टिस कर मैंने विथ तुम बिजनेस हाउस होल्ड, बिजनेस हाउस होल्ड ता सहित नब गवर्नमेंट, तापर फोर सेक्टर नब बिजनेस हाउस हाउस होल्ड सहित गवर्नमेंट सहित फॉरेन ट्रेड बा फॉरेन मार्केट गुड़ा नब। ये गला सेकेंड आई बा यूनिट टू आई रे कॉन्सेप्ट। यूनिट थर्ड आई देखा, देखो यूनिट थर्ड आई रुम हेडिंग अच्छी मनी एंड चेंजेस इन इट्स वैल्यू। तो मनी आउ वैल्यू मोटामोटी कह गले मनी विषय देती मनी एंड इट्स वैल्यू, तो सहीटा को लेकिन तुम यूनिट थर्ड आई होती। तो देखा मनी एंड इट्स वैल्यू कौन कॉन्सेप्ट रही, तब देखो मनी मनी जो वैल्यू अच्छी तार देख दे कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड फंक्शन ऑफ मनी। फंक्शन ऑफ मनी गोटे तुम लॉन्ग क्वेश्चन इवोल्यूशन केमी मुद्रा सृष्टि है, तो फंक्शन ऑफ मनी आउ बेस्ट इंपोर्टेंट जिस बहुत किसी देख क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बहुत इंपोर्टेंट, ता सहित कैश ट्रांजाक्शन, कैश बैलेंस एंड केनिशियन अप्रोचेस, वैल्यू ऑफ मनी एंड इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस।
तो ये गोटा निहाते बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ा हम जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी अच्छे मोस्ट 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 इंपोर्टेंट तहत कैश ट्रांजैक्शन कैश बैलेंस केनिशियन अप्रोच जो अच्छे केनिशियन अप्रोच से गुड़ा बहुत इंपोर्टेंट आउ गोटे अच्छे वैल्यू ऑफ मनी यहाँ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आउ इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस से भले इन्फ्लेशन तापर चैप्टर आसपे तुम इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन आसला मीनिंग कारण मीनिंग तार कॉजेस एंड आंटी इन्फ्लेशन मेजर्स तार प्रतिकार कौन इन्फ्लेशन प्रतिकार कौन तार कॉजेस कारण कौन मीनिंग कौन अर्थ कौन से भले तुम आसो क्लासिकल केनिशियन मोनिटरिस्ट एंड मॉडर्न थ्योरी जो इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन रो चारिटा थ्योरी देखो देखिए गोटे क्लासिकल थ्योरी केनिशियन थ्योरी मोनिटरिस्ट एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन तो इन्फ्लेशन ये तीन चार थ्योरी भल भाव प्राक्ट कर तुम इन्फ्लेशन गैप डिफ्लेशन सेमती इन्फ्लेशन गैप कौन सर पड़ सारापर तुम डिफ्लेशन जो आसला ठीक तार अपोजिट है तो तार मीनिंग कॉजेस आउ आंटी डिफ्लेशनरी मेजर्स कौन तापर सेमती आसला तुम डिप्रेशन एंड स्टैगफ्लेशन डिप्रेशन स्टैगफ्लेशन कले कौन ता भितर कौन डिफरेंस अच्छी आ इन्फ्लेशन डिफ्लेशन भितर कौन डिफरेंस अच्छी तो दुईटा को सब कंपैरिजन कर पढ़ले तुम कौन हम ना बहुत किसी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट पाइपर सब पढ़ुच इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कौन डिफरेंस अच्छी है डिप्रेशन और स्टैगफ्लेशन कौन डिफरेंशन डिफरेंस अच्छी तो ये डिफरेंस कर पढ़ात बहुत भल भाव प्राक्ट हो पार तो ये गला यूनिट थर्ड आई कॉन्सेप्ट यूनिट फोर को आम जा तेरे यूनिट फोर भी दे देख यूनिट फोर तुम देजे डिटरमिनेशन ऑफ नेशनल इनकम तो नेशनल इनकम केमी आम बाहर कर द क्लासिकल अप्रोच द डिटरमिनेशन ऑफ नेशनल इनकम देख द क्लासिकल अप्रोच दे सेज लॉ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेज लॉटा हूँ तुम बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेज लॉटा है प्राय परीक्षा बारंबार रिपीटेड हो पड़ू तो सेज लॉ है तुम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन तापर आसला थ्योरी ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट विथ एंड विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्ट तेणु विथ सेविंग इन्वेस्टमेंट केमती हम माने इनकम डिटरमिनेशन विदाउट सेविंग इन्वेस्टमेंट केमी हम है दुईटा कन्सेप्ट अलग अलग तापर देखिए बेसिक्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई तो एग्रीगेट डिमांड कले कौन बुझ एग्रीगेट सप्लाई कले कौन बुझ तार बेसिक थेम बुझ एंड कंजप्शन सेविंग इन्वेस्टमेंट फंक्शन तार कंजप्शन सेविंग इन्वेस्टमेंट फंक्शन तो कंजप्शन विषय में पढ़व तो कंजप्शन कौन कंजप्शन के लॉ अच्छी थ्योरी अच्छी कंजप्शन थ्योरी केन्स पढ़व तापर आस इन्वेस्टमेंट फंक्शन तो इन्वेस्टमेंट कौन इन्वेस्टमेंट फंक्शन तार सेविंग कंजप्शन में सेविंग तुम आसो तो केनिशियन अप्रोच बेसिक्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई एंड कंजप्शन केनिशियन मतरे जहाँ केनिशियन अप्रोच जहाँ केनिशियन कही आधार में जो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई कंजप्शन तीन टाइम कौन रिलेसन अच्छे से गोटे क्वेश्चन हम तरह सेविंग इन्वेस्टमेंट फंक्शन तो ये जो ओपरटा गला बेसिक कथा कह कंजप्शन सेविंग इन्वेस्टमेंट फंक्शन तो केनिशियन अप्रोच से एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड पढ़ सेविंग इन्वेस्टमेंट फंक्शन पढ़व है दुईटा रोज गोटे जेनराल रोज गोटे रोज केनिशियन अप्रोच द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड इनकम डिटरमिनेशन तापर देख देख इफेक्टिव डिमांड कह प्रिंसिपल इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल कौन देखिए गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम तापर देख देखिए इनकम डिटरमिनेशन इन ए सिंपल टू सेक्टर मॉडल है तो टू सेक्टर मॉडल केमी इनकम डिटरमिनेशन होता है सिंपल टू सेक्टर मॉडल चेंजेस इन एग्रीगेट डिमांड एंड इनकम द सिंपल इन्वेस्टमेंट मल्टीपल आधार मतलब दे देख टू सेक्टर मॉडल केमी इनकम डिटरमिनेशन ता छड़ा आउ गोटे मतलब देखिए सिंपल इन्वेस्टमेंट मल्टीपल ता माने तुम इन्वेस्टमेंट मल्टीपल चैप्टरटे रोच सिंपल माने कौन बेस डीप रिटा पढ़वन खाली सिंपल इन्वेस्टमेंट मल्टीपल कौन बुझ है बुझिपार इन्वेस्टर मल्टीप्लायर कले तुम कौन बुझ तार फर्मूला बास क्या कहते ये कथ तुम मन रख बुझेगा यूनिट फोर रहा देखिए जे टेक्स्ट बुक कौ बही फॉलो करियो ता ना देखिए मानक्यूंर तो एन ग्रेगरी मानक्यू माइक्रो इकोनॉमिक्स सेवेन्थ एडिशन जो अच्छी सेंगेज लर्निंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली पब्लिकेशन तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स बही रही ये डिटेल्स पाइबे तो मानक्यू बही जदि मानक्यू बही क्या पाखे ना तो निहते आम टेलीग्राम ग्रुप जॉन करूँ टेलीग्राम जॉन कला मानक्यूर पीडीएफ बही मतलब पारे तो टेलीग्राम जॉन कर मतलब मेसेज करूँ निहाती भावे ये मानक्यू बही टेलीग्राम पीडीएफ देदेवि तो पढ़ापढ़ी करेंगे तो रेफरेन्स बुक रिचार्ड ट्री फोन रिचार्ड ट्री फोन अवेलेबल ना मो पाखे किंतु मानक्यूर अच्छे तो जो देखते हैं चैनल को लाइक सेयर सब्सक्राइब करूँ जहाँ न बुझ पार्टी कमेंट करूँ सपोर्ट करते इकोनॉमिक्स क्लास करने जो देखते हैं समस्त धन्यवाद चैनल को लाइक सेयर सब्सक्राइब करूँ।